नमस्कार, आज हम आंवले का अचार बनाएंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और सभी को ये अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम पानी डाल दिए और आंवला को धो करके 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि आंवला थोड़ा सा पक जाएगा। तो 10 से 12 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि सारा पानी छन जाए। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम एक एक आंवले का बीज निकाल लेंगे, जिसे निकालना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से प्रेस कीजिएगा, आराम से निकल जाता है। तो इसी तरह हम सारा आंवला का बीज निकाल लेंगे एक एक का। उसके बाद हम इसे एक पूरा दिन किसी कपड़े पे फैला देंगे और पंखा चला देंगे। धूप में नहीं करना है, नहीं तो सूख जाएगा। उसके बाद हम इसका मसाला का तैयारी करते हैं एक दिन बाद। तो हम इस सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, क्योंकि मेथी दाना बहुत तीखा होता है, इसलिए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो सबसे पहले मेथी दाना थोड़ा देर कर लेंगे। उसके बाद एक कटोरा सौंफ, एक कटोरा सरसों, आधा कटोरा अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी ज़्यादा नहीं पड़ता है, एक चम्मच के लगभग जीरा, दो चम्मच के लगभग खड़ा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर धूप है तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, अगर धूप नहीं है तो कढ़ाई में भी आप इस तरीके से करके इंस्टेंट अचार का मसाला बना सकते हैं। तो इसे हम 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो 5 से 6 मिनट में आसानी से हो जाता है। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें एक कटोरा चिली फ्लेक्स डालेंगे। और गैस बंद करने के बाद ही जितना कढ़ाई गर्म है उसी में ये आराम से रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल ही देंगे ताकि सारा एक ही चीज़ अच्छे से पिसा हुआ हो जाए, सारे मसाला में अच्छे से खुशबू फैल जाए। तो ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल करके दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। एक कटोरा आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। तो यहाँ हमारा सारा आंवला सूख करके तैयार है छांव में, इधर मसाला भी हमारा तैयार है। अब एक पैन में हम सरसों तेल डालेंगे। अचार जब भी बनाए सरसों तेल में ही बनाए, सफोला रिफाइंड सबका यूज बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद हम एक कटोरा हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से तेल को गर्म कर लेंगे। तेल के साथ साथ हल्दी का भी कच्चापन दूर हो गया। तो इसे आप ज़्यादा अगर धूप में नहीं भी डालते हैं तो भी अचार खाने में ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी का कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें सारा मसाला डाल देंगे गैस बंद करने के बाद। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मसाला हमारा तैयार है। अचार का एक सीक्रेट ये भी है कि तेल अच्छे से होना चाहिए। तब हम सारा आंवला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके पहले हम इसमें काला नमक डाल देंगे एक कटोरा, एक चम्मच वाइट नमक डाल करके भी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला नमक थोड़ा ज़्यादा से ही बहुत टेस्टी लगता है। तो अच्छे से हम मिला लिए हैं। आप अगर इसे जल्दी समाप्त कर देते हैं तो बिना धूप का भी ये टेस्टी लगेगा। अगर साल भर रखना चाहते हैं तो इसे 2-3 दिन धूप ज़रूर लगाए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अचार कितना दिन रखना है। 1 से 2 महीना ये आराम से चलेगा बिना धूप का भी। तो ये देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है। आप इस तरीके से भी जार में भर सकते हैं, नहीं तो हम इसे 2-3 दिन धूप लगा देंगे उसके बाद जार में भरेंगे ताकि इसे हम सालों भर रख सकें। तो ये हम 2-3 दिन का धूप इसमें लग चुका है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये और भी अच्छे से पक चुका है। उसके बाद हम इसको जार में भरेंगे। तो बहुतों का शिकायत होता है कि अचार ख़राब हो जाता है जार में रखने के बावजूद। कारण ये होता है कि तेल सारा नीचे चला जाता है और सिर्फ अचार ऊपर रह जाता है, उस वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जार में भी अचार भरने का एक ट्रिक होता है जिसे हम आगे बताते हैं।
तो जार में जब भी आप अचार को भरे उसे हल्का सा प्रेस कर दे ताकि अचार के बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे। अगर अचार नीचे जाएगा तो ऑलरेडी तेल और मसाला ऊपर आ जाएगा, जो कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बराबर मात्रा में अचार का मसाला और तेल बना हुआ रहता है। तेल बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता है, मतलब नीचे भी रहता है, बीच में भी रहता है और ऊपर भी रहता है। इससे क्या होता है कि आपका अचार सालों भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा बिना धूप लगाए। बीच में ऐसा नहीं है, धूप लगाने का जो आप देख सकते हैं तेल मसाला भी ऊपर है और ये सालों भर रहेगा इस तरीके से रखने से। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाएं अचार भरने टाइम। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्जॉय कीजिए आंवले की इंस्टेंट अचार।